हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है दोस्तों। और ये जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे, हमारी प्लेलिस्ट है राजस्थान जीएस और जीके फॉर जेएन 2020 आरएस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या स्टार्ट कर रखा है, राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखा है और पार्ट 20th आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और 19 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं दोस्तों। तो आपने, आई होप आपने वो सारे वीडियोस पहले के देख लिए होंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं। जैसे अभी अपना बात करूँ, भौतिक, जो भौतिक प्रदेश है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, है ना, वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, अब अपन टॉपिक के अंदर अपन चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, कल अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट वाले वीडियो में, वो क्या पढ़ रहे थे, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ बनास बाणगंगा बेसिन, उसके अंदर रोही का मैदान पढ़ा अपन ने, मालपुरा करौली का मैदान पढ़ा, खैराड़ प्रदेश पढ़ा और पिडमांट का मैदान पढ़ा। अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट, चंबल बेसिन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए चंबल बेसिन। अब देखिए इसमें, अब अपन बात कर रहे हैं चंबल बेसिन की। अब चंबल बेसिन में देखिए, सीधी सी बात है, ये कौन से बेसिन के आसपास बनेगा, ये जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है चंबल नदी के आसपास। तो देखिए ये है अपनी चंबल नदी। अब जब चंबल नदी बह रही है, जब बरसात का मौसम होगा, जब वर्षा ज़्यादा होगी, तो इस चंबल नदी का क्या होगा, बहाव क्षेत्र ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब बहाव क्षेत्र ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो पानी है वो इस तरीके से निकल निकल के साइडों में जाएगा, इसके अलग अलग जगहों में, अलग अलग रास्तों में। इस तरीके से, और जब बहाव क्षेत्र वर्षा, जब बरसात का मौसम कम हो जाएगा, मानसून कम हो जाएगा, वापस पानी अपने चंबल नदी के अंदर वापस आ जाएगा। अब जब पानी जाएगा और वापस आएगा तो क्या होगा, अपरदन करेगा मिट्टी का, मिट्टी को काटेगा। तो जो मिट्टी को काटेगा तो क्या होगा, क्या इस तरीके से कि स्थलाकृति एक प्रकार की डिज़ाइन बन जाएगी। जैसे मान ले कहीं मिट्टी उठी हुई रहेगी, कहीं धसी हुई, कहीं उठी हुई, कहीं धसी हुई, इस तरीके से मिट्टी बन जाएगी कटने की वजह से, अपरदन की वजह से। तो इस अपरदन को क्या बोल नाम दिया गया, अवनालिका अपरदन। क्या नाम दिया गया, अवनालिका अपरदन। एक प्रकार की जो नालियां हैं, नालियों की फ्लू में ये बन जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अवनालिका अपरदन। और अवनालिका अपरदन की वजह से क्या होगा, बीच बीच में इस तरीके गड्ढे टाइप बन जाएंगे, कहीं उठा हुआ क्षेत्र, कहीं धसा हुआ क्षेत्र, इस तरीके से, ठीक है। तो इस गड्ढे ऊबड़ खाबड़, मतलब कहीं ऊंचा कहीं से नीचा, और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अपने नाम सुना होगा, बीहड़। बीहड़ के क्या फेमस है, डाकू, है ना, जो अपना भरतपुर करौली धौलपुर का जो इलाका है वहाँ क्या मिलते हैं आपको, सबसे ज़्यादा बीहड़ है ना। तो आपने अभी जो मूवीज़ आती है बहुत सारी, है ना, जैसे आपने पान सिंह तोमर देखी होगी, तो उसके अंदर भी काफ़ी डायलॉग हैं, बोले बीहड़ में तो, बोले असली डाकू तो बोले कि क्या बोलते हैं वहाँ पे हैं पार्लियामेंट में, यहाँ पे बीहड़ में डाकू नहीं मिलते हैं ना। तो इस तरीके से हैं चीज़ें, तो वो बीहड़ क्या है, वही चीज़ है ना, पान सिंह तोमर हुई, बहुत सारी मूवीज़ डाकू पे बनी हुई है ना, बैंडिट क्वीन बहुत पुरानी मूवी है ना। तो वो जो डाकू का जो इलाका फेमस था वो कहाँ रहा, तो ये क्या करते थे डाकू लोग जो भी रहते थे, तो ये इनको क्या है, यहाँ पे छुपने में आसानी होती थी, है ना, तो इसलिए इनको अप्रोच पुलिस नहीं कर पाती थी, इसलिए ये बीहड़ में रहते थे। तो यही है अपना बीहड़, ठीक है। ये तो हो गया अवनालिका पर। अब एक चीज़, अब जब कोई स्थलाकृति इस तरीके के बनेगी तो जो उठा हुआ क्षेत्र होगा,
उसे क्या बोला जाएगा, डांग। और जो धसा हुआ क्षेत्र होगा, जो निम्न क्षेत्र होगा, उसको क्या बोलेंगे, खादर। ये बात हुई। और इस स्थलाकृति को क्या नाम बोला जाएगा, इस पूरी स्थलाकृति को बोलेंगे उत्खात भूमि या उत्खात स्थलाकृति। मतलब ये उत्खात मतलब उबड़ खाबड़ है, तो इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर एक की डेफिनेशन लिखते हैं अपन, स्थलाकृति है ना, उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं इनकी डेफिनेशन, बीहड़ की है ना। बीहड़ समझ तो गई आप, बस अब अपन को लिखना है। तो लिखिए, चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात मतलब ऊबड़ खाबड़ है ना, ऊंची नीची, उत्खात स्थलाकृति जहां घने जंगल पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, बीहड़ कहलाता है ना। तो आपसे पूछा जाए कि बीहड़ क्या है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई बीहड़ की। अब मैं बात करूं, ठीक है, अब देखिए मैं बात करूं कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहां मिलते हैं, तो दोस्तों सर्वाधिक राजस्थान में बीहड़ मिलते हैं अपन को धौलपुर जिले में। जबकि बीहड़ का सर्वाधिक जो विस्तार है, मतलब अगर मैं एरिया वाइज विस्तार की, विस्तार जो सबसे ज्यादा है वो है अपना सवाई माधोपुर में। तो लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में है, जबकि बीहड़ का सर्वाधिक, बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है। ठीक है, ये बात हुई एक, लिख लीजिए आप इतना। अब एक चीज आती है कि जो करौली जो जिला है, करौली में भी ऑब्वियसली बात है बीहड़ बहुत है ना करौली में, तो करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब लास्ट जो डांग और खादर के बारे में लिख लीजिए, बीहड़ में स्थित
उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाएगा? डांग। स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग तथा निम्न भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है छोटा सा हेडिंग इसी के अंदर, डांग प्रदेश। कौन सा प्रदेश? डांग प्रदेश। तो डांग प्रदेश कौन सा प्रदेश है दोस्तों? तो डांग प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर में जो बीहड़ युक्त क्षेत्र है, कौन सा? जहाँ बीहड़ है युक्त क्षेत्र, जहाँ डाकू रहते हैं, वो कौन सा क्षेत्र है? डांग प्रदेश। तो लिख लीजिए। सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर में स्थित बीहड़ युक्त क्षेत्र, जहां डाकू निवास करते हैं, क्या कहलाता है? डांग प्रदेश। तो यह बात हो गई दोस्तों अपने डांग प्रदेश और बीहड़ की, और जो अपना चंबल बेसिन था वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था वो भी अपना कंप्लीट हो गया है। तो यह टॉपिक अपना कंप्लीटली पूरा हो गया है। तो दो अपन ने कंप्लीट कर लिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अरावली की, है ना? आप सबको पता है दोस्तों अरावली क्या है, राजस्थान के बीच में से जा रही है एग्जैक्टली, है ना? ये इधर से ऐसे इस तरीके से अरावली जा रही है एग्जैक्टली, है ना? और अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसकी उत्पत्ति की, ठीक है? उत्पत्ति की अगर मैं बात करूँ तो लिखिए इसमें, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति आग महाकल्प या फिर एजोइक एरा। क्या नाम है? एजोइक एजोइक एरा, या फिर एक नाम और मिलता है आपको, प्री पैलीजोइक एरा। क्या नाम?
प्री एलोजोइक एरा, प्री पैलियो, पैलोजोइक एरा हाँ, के कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन, ये आपको टर्म याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन काल, या फिर उसका नाम है धारवाड़ समय। धारवाड़ समय में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई है। वलन का मतलब भी बात करेंगे, वलन का मतलब होता है मोड़ पड़ जाना, है ना। इस तरीके से कोई दो चीज़ें आ रही है सपोज, तो ये यहाँ पे जब टकराएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से ऊपर उठेंगी, तो इसको ही अपन क्या बोलेंगे, वलन की क्रिया। तो लिखिए आप इतना पहले, उत्पत्ति किससे हुई? अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति आग महाकल्प, कौन से कल्प में? आग महाकल्प या फिर एजोइक एरा या फिर प्री पैलियोजोइक एरा के कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल या फिर धारवाड़ समय में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई है। अब देखो मैं समझाता हूं आपको, इतना लिख लीजिए आप पहले। अब इधर देखिए, दो प्लेटें हैं अपने पास, है ना, प्लेटें जो अपने ज़मीन के अंदर होती हैं, दो प्लेटें हैं, भारी प्लेट है एक हल्की प्लेट है। सपोज़ मानिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ, इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, गति स्टार्ट हो गई है, तो ये एक दूसरे की तरफ जा रही है, जा रही है। एक समय ऐसा आएंगे जब टकराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये टकराएंगी, टकराने से क्या होगा कि जो भारी प्लेट है क्या उसे कुछ असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। लेकिन जो हल्की प्लेट है तो मूवमेंट किस में दिखाई देगी आपको? हल्की प्लेट में। तो मान लीजिए ये भारी प्लेट इस तरीके से है, तो हल्की प्लेट कैसे चल जाएगी? इस तरीके से ऊपर की तरफ चल जाएगी, और जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ चल जाएगी, मतलब इसमें कुछ असर नहीं होगा। और जो आपका असर होगा वो क्या होगा, ये जो अभी हल्की प्लेट है ये दिखेगी आपको उठी हुई, है ना, उठती जाएगी, है ना, और जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ चल जाएगी, और इसी से जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये टकराएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वलन पड़ेंगे इस तरीके से, है ना। तो ये क्या पर्वत, अभी देखो इसका डायग्राम यहाँ पर, इसको नहीं बनाना है, इसको बनाने के बाद ये बनाइए, यह थी अपनी भारी प्लेट और यह थी अपनी हल्की प्लेट। जब टकराव हुआ तो इसमें क्या पड़ा, वलन पड़ा, मतलब इसमें मोड़ पड़े एक दूसरे से, है ना, मतलब ये मुड़ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच बीच में चोटियाँ बन गई एक तरीके से, तो ये क्या हो गई, वलन की क्रिया हुई, और वलन की क्रिया से कौन से पर्वत बन गए, वलित पर्वत बन गए, है ना। और जो भारी प्लेट थी तो अंदर की तरफ धस गई, और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों का यहाँ पे जमा हुआ, और जो वलित पर्वत श्रृंखला है जो अपने अरावली का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे लिख लीजिए वलित पर्वत, और ये कौन सी क्रिया हुई है, वलन की क्रिया, है ना। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर चट्टाने कौन सी होंगी, ये
आंतरिक आग्नेय चट्टान है ना, जिसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ग्रेनाइट। क्या होता है? ग्रेनाइट। तो एक प्रकार से ये ग्रेनाइट होता है, ठीक है। तो यह थी इसकी कि किसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो इतना डायग्राम इसको बना लीजिए फटाफट। आगे चलते हैं अपन। अब देखिए अपन बात करेंगे इसके विस्तार की, है ना, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगेन अपन डायग्राम से पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, इजीली हो जाएगा, अपन डायग्राम के थ्रू चीज करेंगे क्लियर। तो देखिए आप भी बनाते जाइए साथ साथ। कि टोटल लंबाई की मैं बात करूं तो 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर टोटल है। और स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो दोस्तों ये स्टार्ट होती है अपने पालनपुर गुजरात। जब भी अपन गुजरात की तरफ आप कभी भी ट्रेन से जाते हो तो जो आबू रोड के जो अगला स्टेशन आता है वो अपना पालनपुर आता है ना, जो कि है अपना गुजरात में, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट होता है गुजरात में, तो वहाँ पे है पालनपुर। तो पालनपुर से स्टार्ट होती है, मतलब आबू रोड के जस्ट पास में ही है, माउंट आबू के पास में ही है ना आबू। तो पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होके ये जो अपना दिल्ली है, रायसीना हिल्स, आपने सुना होगा नाम, जिसपे अपना राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स दिल्ली तक है इसका विस्तार। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? पालनपुर गुजरात से कहाँ तक? रायसीना दिल्ली तक, ठीक है, ये बात हुई एक। राजस्थान में स्टार्ट कहाँ से हो रही है? तो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में स्टार्ट एंटर होती है ये अपने खेड़ ब्रह्मा डिस्ट्रिक्ट है अपना सिरोही, ठीक है। सिरोही से लेके यह है अपने झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार हो गया ये चीज, ठीक है। राजस्थान में अगर मैं इसकी लंबाई की मैं बात करूं टोटल ओवरऑल, तो इसकी लंबाई है राजस्थान में 550 किलोमीटर, टोटल 550 किलोमीटर है ना इस तरीके से। और राजस्थान में इसको तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसको बोला गया दक्षिण अरावली, इसको बोला गया मध्य अरावली, और इसको बोल दिया उत्तरी अरावली, ठीक है। किसकी बात है? ये राजस्थान में
बात है। तो इस डायग्राम को आप एक बार बना लीजिए। अब देखिए, आई होप आपने बना लिया होगा। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं कि बात अपन करेंगे। तो मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान में अरावली का विस्तार कौन से कहाँ से कहाँ तक है। इसको अगर मैं राजस्थान में, मतलब इसको इस तरीके से मान लीजिए काट दूँ, ये यहाँ से ऐसे काटूँ, उसको यहाँ से काटूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा अपना साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व में। तो लिखिए, राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो वो है अपना उदयपुर में। सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर में है, और अगर न्यूनतम की बात करूं तो अपना डिस्ट्रिक्ट है अजमेर में। तो इसको लिखिए, राजस्थान में अरावली का विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है ना, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। जबकि न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। कहाँ पे है? अपना अजमेर में है। ये बात हो गई। फिर मैं बात करूँ, लिख लीजिए इतना, अब देखिए, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर पूर्व, मतलब ये उत्तर पूर्व जगह है, उत्तर पूर्व से अपन दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो क्या की ओर बढ़ती है, ऊंचाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई, ऑब्वियस सी बात है। इसको याद करने का, माउंट आबू किधर है? इधर है ना, तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई भी इधर ही है, मेवाड़ साइड में, उदयपुर साइड में है ना, तो इधर, और इधर तो बहुत ही कम है ना, तो इधर से क्या होती है, इधर की ओर ऊंचाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो लिखिए, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और बढ़ती है। ये बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब मैं बात करूं, राजस्थान में अरावली की जो सर्वाधिक चौड़ाई है
वो कौन से में कहाँ से कहाँ तक है? वो अपना जिला है राजसमंद से लेके जो बांसवाड़ा जिला है उसके मध्य इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। तो लिखिए राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य है, के बीच में है ना। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। अब इस डायग्राम के अंदर आप इस डायग्राम को बनाना है। अब मैं देखिए इसमें आपको जो जो चीज़ लिखाई वहीं मैं वो चीज़ में बताऊंगा कि ये अपनी एक तरीके से अरावली है ना, और अरावली का क्या है, ये यहाँ पे कौन सा अपना डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही। सिरोही से लेके बात करूँ मैं राजसमंद तक, ये तो बात करी अपन ने चौड़ाई की, और अगर ऊंचाई की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसके बीच में है, सिरोही से लेके जो अपना जिला है राजसमंद, राजसमंद यहां पे है के मध्य इसकी सबसे ऊंचाई है ना, इस तरीके से ठीक है। ये तो हो गई ऊंचाई, और चौड़ाई की बात करें ठीक है, तो ये चौड़ाई, और अपन ने भी चौड़ाई की बात करी थी राजसमंद से कहां से कहां तक, बांसवाड़ा, तो ये इधर अपना पड़ता है बांसवाड़ा। तो चौड़ाई सबसे ज्यादा कहां से कहां तक हो गई, राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य। ये अपना क्या है, उत्तर पूर्व पश्चिम, और ये अपना दक्षिण है ना। तो ये चीज आप एक बार बना लीजिए। तो जो लास्ट पॉइंट है वो भी मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। जो लास्ट पॉइंट है अपना वो लिखिए आप, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद से सिरोही के मध्य है ठीक है। किससे किसके मध्य है, राजसमंद से सिरोही के मध्य है, ये बात हो गई थी ठीक है। तो अपनी ये चीज अपन ने जो कुछ कुछ फैक्ट्स थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं की है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसकी विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मैं अगर इसकी विशेषता बात करूं, यह अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे पुरानी या फिर प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, एक प्रकार की बहुत पुरानी है, जो अपना हिमालय है इससे भी बहुत पुरानी है ये, इसलिए विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो लिखिए इसमें अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, पहली बात हुई ठीक है। अब दूसरी बात करता हूं, अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा
भी कहा जाता है, जो भारतीय जल विभाजक रेखा है कहा जाता है। तो लिखिए पहले इसको, महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। लिख लीजिए आप इतना। आगे चलते हैं। अरावली जो पर्वतमाला है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन से प्रकार की चट्टाने हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टाने, जहाँ से क्या है ग्रेनाइट की प्रधानता है। तो लिखिए इसमें, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आंतरिक चट्टानों, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ग्रेनाइट की प्रधानता है। ठीक है, ये हुई एक बात। आगे लिखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश में अगर मैं बात करूं कौन सी मिट्टी मिलेगी, पहाड़ी प्रदेश है तो पर्वत हैं, तो कौन सी ऑब्वियस सी बात है, लाल मृदा मिलेगी, है ना, आपको जो काफ़ी उपजाऊ भी रहती है, तो जो मिट्टी मिलेगी अपन को लाल मृदा। ये अपन जब मृदा का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि यहाँ पर क्या मिलेगी, लाल मृदा मिलेगी। लाल मृदा का जो नाम है वो है इंसेप्टी सोल, है ना। तो कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा या फिर इंसेप्टी सोल पाई जाती है। तो लिखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा, ब्रैकेट में लिखिए, इंसेप्टी सोल पाई जाती है। ठीक है, ये हो गई। अब अगला लिखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति वन वन्य जीव तथा जैव विविधता की दृष्टि से कैसा प्रदेश होगा, बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, पहाड़ होंगे, बरसात ज़्यादा होगी तो वहाँ वन ज़्यादा होंगे, वन्य जीव जो बहुत सारे होंगे, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है, इसलिए अरावली का जो हनन हो रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। से समृद्ध प्रदेश है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट लिखिए, अरावली पर्वत माला में अनेकों आदिवासी जनजातियां भी रहती है राजस्थान में। जैसे मैं बात करूं, आपको उदयपुर में मिल जाएगी, भीलवाड़ा में काफ़ी सारी हैं, उदयपुर राजसमंद इधर की तरफ मेवाड़ साइड में काफ़ी आपको मिल जाएंगी। पर्वत माला
अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में आदिवासी जन जनजातियों की आश्रय स्थली है, ठीक है, आश्रय स्थली है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए विशेषताओं में, अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनका क्या है इनिशियल या फिर जहां से वो जनरेट होती है उद्गम स्थल है। तो लिख लीजिए पर्वतमाला राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है, उद्गम स्थल है। यह बात हो गई अपने अरावली की विशेषताओं की, ठीक है। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे इन वीडियोस को शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट आपको पता ही है, और कैसे लगती है वीडियोस हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।